न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम ने अपना T20 का तीसरा शतक जड़ दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम की जारहाना और शानदार बैटिंग ने दुनिया को हैरान कर दिया। बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर बात करने वालों को पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने अपने बल्ले से जवाब दिया। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूँ कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने किस तरह से सेंचुरी स्कोर की और किस तरह से बाबर आजम ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। आज की इस वीडियो को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने आज 58 यानी कि 58 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने तीन खूबसूरत और लंबे तरीन छक्के और इसके साथ साथ 11 चौके लगाए। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए आखिरी ओवर में तकरीबन 15 रन दरकार थे। दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर जिमी नेशन बॉलिंग करवा रहे थे और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को इशारा भी किया कि अब तुम मुझे चौका या फिर छक्का लगाकर दिखाओ या फिर अपनी सेंचुरी मुकम्मल करके दिखाओ। लेकिन पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने क्या ही खूबसूरती के साथ एक छक्का लगाया और उसके बाद जिमी नेशन को अंडर प्रेशर लाया और अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। एक छक्का तो आपको विराट कोहली का भी याद होगा जो कि उन्होंने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रूफ को लगाया था, लेकिन आज बाबर आजम ने भी एक छक्का लगाया जो कि उन्होंने शॉर्ट पिच पर स्टेट पर लगाया। आपको कौन सा छक्का ज्यादा पसंद आया था, विराट कोहली का या फिर आज बाबर आजम का? आपने उस छक्के के बारे में हमें कमेंट बार में जरूर बताना है।